नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में। छठ पर्व आस्था व भक्ति का पर्व है। छठ पर्व यूपी बिहार एकता मापन छठ पूजा समिति के द्वारा आदर्श नगर के शनि बाजार रोड पर छठ पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की तैयारी को लेकर हमारी समिति के पदाधिकारियों से वार्ता हुई व दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ दिए जा रहे सहयोग और उसके नियुक्त कॉन्ट्रैक्टर ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरा नाम राम निवास चौधरी है। आप इस समिति में ये यूपी बिहार एकता मंच का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। समझिए सरकार का ही योगदान है जो हमारा छठ घाट पहले जैसे वो पुलिस बूथ के पास में था, वो एक छोटी सी 5-12 की एक जगह होती थी और तीनों तरफ एक नाला होती थी और जब थोड़ा सा गड्ढे खनने के बाद सारे नाली का पानी उसमें आ जाती थी तो हम उस चीज़ को वहाँ पब्लिक नहीं पहुँच पाती थी। 2-4 पब्लिक आ गया तो आ गया, नहीं तो पब्लिक नहीं आ पाते थे। हमारा इलाके का जितने भी पब्लिक थे कहे भैया यहाँ हम नहीं जाऊँगा, ये गंद है। तो वो पब्लिक को देखते हुए हम लोगों ने विधायक जी को इस चीज़ को बोला कि भाई यहाँ पर अगर बंद करके और ये हमारे गणेश विसर्जन का जो खाना हुआ है वहाँ पर गद्दे उसमें साफ सफाई करके जैसे हमको वहाँ जगह दे दिया जाए वहाँ पर जैसे हम लोग करेंगे साफ़ सुथरा कर करके। तो उन्होंने बोले ठीक है, इस चीज़ को हम समर्थ करें, पब्लिक चाह रही है तो हम सब सफाई उफाई करवा देंगे आपको, कूड़ा वगैरह जितने भी होंगे सारे पानी को निकलवा करके और घाट बनवा करके मैं जैसे दे दूंगा साफ सुथरा कर। गोपाल मिश्रा नाम है मेरा। यूपी बिहार एकता महामंच है अपना, उसके द्वारा यहाँ पे कार्यक्रम करवाया जा रहा है। पहले ही होता था हमारा भलसवा झील पे, इस बार हमने प्रॉपर तरीके से अपना यहाँ पे तैयार करके यहाँ पे हमने अपना कार्यक्रम करवाने का। जो आपका ये कार्यक्रम है इसमें दिल्ली सरकार का कोई सहयोग है? दिल्ली सरकार का सहयोग है इसमें, कार्यक्रम में बहुत सहयोग मिला है हमें। लेकिन आप देख सकते हैं जो पानी है यहाँ पे ये गंदा है, अब इसकी सफाई का भी हमने बोला हुआ है। अब देखो विधायक जी क्या करते हैं इसमें, और इसमें काफ़ी हमने सफाई करवाई। ये देख सकते हैं आप गणेश जी की मूर्तियाँ विसर्जन जो हुई थी वो सारा निकलवाया जा रहा है, यहाँ पर कट्टे लगवाए जा रहे हैं और जो चारों तरफ साफ सफाई करवाई गई है। दिल्ली सरकार के द्वारा आपका क्या सहयोग दिया गया? दिल्ली सरकार से हमारा फंड पास हुआ है इसमें, उन्होंने फंड पास करवा दिया है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने फंड पास करवा के सोचा कि हम हटे हैं वैसे नहीं होता काम। आप देख सकते हैं अभी इसमें कितनी गंदगी है, उसके लिए भी हमने अपने लेबर लगा के अपने काम करवा रहे हैं, उसकी सफाई करवा रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि जो भी यहाँ पे छठ व्रती है उनको स्वच्छ पानी मिले, सारी सुविधाएं मिले, तो उसके हिसाब हम अपनी तरफ से भी काम करवा रहे हैं इसमें। जैसा कि देखने में आ रहा है जो ये पानी है जहाँ लेबर काम कर रही है वहाँ पे पूरी गंदगी निकल के आ रही है, काला पानी सड़ा पानी नजर आ रहा है। ये काफ़ी पहले का पानी है, इसमें जब गणेश विसर्जन हुआ था तब पानी भरा गया था, उसकी गंदगी है। लेकिन इसमें कोशिश ये की जाएगी कि हम लोग इसकी साफ़ सफाई करवाएं और पानी बदलवाने के हम सोच रहे हैं। इसमें फ्लड डिपार्टमेंट के आए हैं वो लोग देख रहे हैं, उनकी तरफ से भी काम हो रहा है। तो उनकी तरफ से सफाई पे कोई जोर नहीं है ऐसा कि भाई पानी को बदला जाए, सड़ा पानी निकाल के नया पानी भरा जाए? अभी उनकी तरफ से कुछ आया नहीं है, लेकिन उनसे बात हुई है, उन्होंने बोला कोशिश करते हैं अगर हो सकता है हमारे से तो हम इसकी सफाई भी करवाएंगे, नहीं तो हमने अपने लेबर भी लगा रखे हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम पानी निकलवा दें और अंदर के जो भी गंदे वो निकलवा दें ताकि छठ व्रतियों के लिए अच्छा सब कुछ हो जाए। मेरा नाम राजीव ठाकुर है जी। यहाँ पे हम लोग यूपी बिहार एकता मंच के तरफ से ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें जो है यूपी बिहार एकता मंच के जितने भी सहयोगी है और यहाँ के जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनके सहयोग से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कितनी संख्या आपको लग रही है, कितनी संख्या में हम लोग सर? जो व्रतियों की संख्या हमारे को लग रहा है कि 1000 से ऊपर ही रहेगा यहाँ पे, और लोगों की संख्या तो यहाँ पे कम से कम 5000 से ऊपर रहने का अनुमान है। एरिया का सबसे बड़ा छठ महोत्सव यहाँ पे मनाया जाएगा और दिल्ली में पहली बार कहीं पे मूर्ति का स्थापना हो रही है तो यहाँ पे मूर्ति का स्थापना होगा। यूपी बिहार एकता मंच का उपाध्यक्ष के हैसियत से भी आपके सामने हूँ। छठ पूजा का एक आस्था का, पूर्वांचलियों के बहुत बड़ी आस्था का त्यौहार है। यहाँ पे सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, जो छठ माता के रूप में जो है ना वर्ती का ही रूप जो होता है वो छठ माता की होती है। और आदर्श नगर विधानसभा की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे कोई बड़ी घाट नहीं थी, लोगों का कोई मूवमेंट नहीं था। पहले से जो लोग थे यहाँ के वाले हैं या तो यमुना के किनारे छठ घाट पूजा करने जाते थे या तो झील पर जाते थे। लेकिन जब दिल्ली सरकार ने गणेश विसर्जन का कार्यक्रम, मूर्तियों का विसर्जन का कार्यक्रम यहाँ पर किया और घाट बनाया तो हम लोगों को लगा कि यहाँ पर एक अच्छे प्रोग्राम होना चाहिए। चूँकि पिछले वर्ष इस आदर्श नगर विधानसभा में 5 घाटें, छोटी छोटी घाटें बनाई गई थी जो कि पूरी तरह से उसमें लोग करने के लिए तत्पर नहीं थे और उस समय में केवल हमारे सामने यही पास में ही है छठ घाट जो कि धोबी घाट के नाम से जाना जाता है, वहाँ पार्किंग पे 5 मीटर बाई 12 मीटर के घाट थी। लेकिन यहाँ जो घाटें हैं वो जो है बड़ी घाटें हैं,
तो हम लोगों ने क्या किया कि दिल्ली सरकार के सब डिपार्टमेंट, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो या तीर्थ यात्रा विकास कमेटी हो, यहाँ तक कि केजरीवाल जी के ऑफिस तक भी गया और वहाँ पे गुहार लगाई कि इस घाट को परमानेंट घाट के दर्जा दे दिया जाए। लेकिन उसमें थोड़ी सी विधायक जी का थोड़ा सा कॉपरेशन जरूर रहा है और उन्होंने हमेशा तत्पर होकर कहा कि चलो यहाँ पे पूजा किया जाए, उनकी सहमति हमेशा से रही है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस बार अच्छी मात्रा में लोगों का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, सब सामाजिक संस्थाओं को जोड़ भी रहे हैं ताकि एक अच्छा सा माहौल पैदा हो कि दिल्ली में ही नहीं, जो हम लोग इस बार मूर्ति का जो स्थापना कर रहे हैं वो भव्य रूप की मूर्तियाँ होंगी और सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी कर रहे हैं जिससे कि लोगों का जुड़ाव काफ़ी यहाँ बढ़े। आपका वही सब नाम क्या है? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, आप क्या एजेंसी से हैं, कहाँ से हैं? फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से हूँ, कॉन्ट्रैक्टर हूँ। फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के कंट्रोलर हैं हम। आपकी एजेंसी का नाम क्या है? इंद्रराज कंस्ट्रक्शन कंपनी। आपको क्या ये छठ घाट की सफाई का काम दिया गया है? हाँ जी। आपको क्या क्या काम दिया गया इसमें? सफाई का, इकट्ठे का जिन्ने बनाने, ये सफाई वगैरह, मलबा वलबा था जो मूर्तियाँ वगैरह थी वो सफाई करनी, दबानी। अच्छा, जो इसमें मूर्तियाँ वगैरह पुरानी पड़ी हैं वो निकालना और इसको सफाई करना। हाँ, सफाई करना। भैया, इसका जो हाल है, जो नज़र आ रहा है, आपकी लेबर काम कर रही है, जब वो पाँव रखती है इसमें कीचड़ नज़र आता है पूरा। कल को छठ व्रती आएंगे, क्या वो कीचड़ में खड़े होंगे? दिल्ली सरकार से आपको इसकी सफाई का वो दिया गया है? काम तो यहाँ नहीं मिला था, ये टेम्परेरीली अभी दो दिन पहले यहाँ पे मिला है, पीछे धोबी घाट पे मिला था पहले छठ घाट बनाने का परमिशन। अच्छा जी, ये टेम्परेरीली अभी दो दिन तीन दिन पहले काम शुरू हुआ है। मगर इसमें सफाई अभियान जो है वो तो चलाना ही पड़ेगा। अब सफाई तो करा रहे हैं, सफाई तो आप करा रहे हैं। इसका जो पानी, इसका क्या पानी साफ होगा, रिफिल्टर होगा, या इसी गंदे पानी में ही सबको खड़ा होना पड़ेगा? गंदा पानी जैसे लोग सोच रहे हैं ऐसे ही पानी है। छठ घाट तो वहाँ बनाना था हमको, यहाँ तो टेम्परेरी है हमारा। टेम्परेरी तो है भैया, वहाँ बनाना था, यहाँ क्यों कर रहे हो? अगर आपको नहीं बनाना था तो आप कर रहे हैं तो वजह तो ऊपर से ऑर्डर आए हैं ना आपके पास, आप तभी कर रहे हैं। मगर इसकी सफाई कौन करेगा? सफाई कर रहे हैं जितना हो पा रहा है, जब तक कर रहे हैं। जब तक हो पा रहा, मतलब प्रॉपर आपका कोई वो नहीं है कि इसके पानी की सफाई या कुछ का? हमें कोई ऑर्डर नहीं मिला। अच्छा, पानी निकालने का, पानी सफाई का कोई नहीं है, सिर्फ गंदगी साफ कर दो नाम के लिए। गंदगी सफाई कर दे, मूर्तियां जो भी इसमें कबाड़ था ना वो हमने बहुत हद तक कर दिया अपनी तरफ से। अच्छा, सरकार की तरफ से पानी सफाई का कोई वो नहीं, गंदे पानी में छठवर्ती खड़े हो इसका आपको कोई वो नहीं है? ये जिन्होंने कराया उनसे बात करी इस मामले। अच्छा, मतलब आप दिल्ली सरकार की तरफ से आप है, आपकी तरफ से कोई वो नहीं? मेरा को काम था ना, यहाँ नहीं था प्रॉपर, यहाँ नहीं था मेरा काम। ब्लॉक में मैं करा रहा हूँ, वहाँ देख लो सफाई है पूरी, पानी भी सफा डालूंगा उसमें भी, कीचड़ वीचड़ कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आजादपुर में डीडीए पार्क में उसमें भी कुछ नहीं है। वो नया खोदा है आपने? हाँ, नया बनाया अभी। अच्छा, वो नया बनाया तो आपका? मेरे को नए बनाने थे पाँच, तीन बना चुका हूँ, गांधी विहार, डीडीए आजादपुर, डीडीए पार्क है, ए ब्लॉक जहांगीरपुरी। अच्छा, प्रॉपर तरीके से बने जो सफाई का दिया गया उस पर कोई प्रॉपर नहीं है? सफाई कर जितनी हो सकती है करा दी। ठीक।